होनी चाहिए। दूसरा मामला है प्रशासन, अब तक को पूछने आया प्रशासन का? ना ना कोई नहीं आया, कोई आया नहीं कुछ, कोई नहीं आया। यानी जो का त्यो मामला से बस्ते में ठंडा पड़ा प्रशासन के? हाँ, कोई प्रशासन नहीं आया, कोई ठाणा नहीं ठहरा, कोई हमारी सुनाई कुछ नहीं हो रही। गरीब है लड़के की, ठीक है ठीक है। हमारे साथ लड़के की बहन भी जुड़े। हाँ बुढ़िया, क्या नाम? बहन है। तो भाई ने कभी बताया मेरे साथ कोई ऐसी घटना? कभी कभी भी नहीं। तो पता होगा घर में, ऐसी बात नहीं, घर में कोई घटना घटा तो थोड़ा बहुत पता है। कभी नहीं, तो भी समझदार है। कभी भी नहीं बताया उसने कि ऐसे ऐसे चल रहा है। अच्छा, पता उसे नहीं पता। किस तारीख को पता लगा हमको? तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए। प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहे। कितने बहन भाई थे? हम दो तीन थे, दो रह गए। ये कौन सा नंबर का था? ये बटन बड़ा बटन। हाँ जी, किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? हमारे को तो जी सख्त से सख्त कानून कार्रवाई चाहिए। प्रशासन कोई भी ठाणा नहीं उठा रहा। इंसाफ चाहिए हमारे को। इसके माता पिता देखो बिल्कुल ही गरीब हैं, और गरीब का मजा नहीं लेना चाहिए प्रशासन को। सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन ठंडा चल रहा है। और जो मानने वाली पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, मानसों में भी तकड़ी पार्टी है। मेरे भाई कानून सबके लिए बराबर है, अमीर हो चाहे गरीब हो। पैसे वाली कोई बात नहीं, पैसे वाला तो क्या सारा देश को खत्म कर देगा। देखो ऐसे है जी, उनका मानसों का घमंड है, पैसे का घमंड है। गरीब को नहीं देखते, ये गरीब है क्या है। हम तो एक चीज चाहते हैं जी, हम तो एक हाथ जोड़ के हमारी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। प्रशासन से यही मांग है हम, इतने राजी हूँ कि दोषी को दोष मिलना चाहिए। ये भी इस घर का गुजारा कैसे होगा मेरे भाई? कैसे क्या गुजारा हो गया? तो मारे गए बेचारे। हम तो इसमें गुजारा मन तो इंसाफ दे, इंसाफ होना चाहिए इसे में गुजारा। यानी दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध वैसे ऐसा होना चाहिए। पानी का पानी चाहिए हमारे को। प्रशासन चल रही है, सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी को दोष मिलना चाहिए। आप दोबारा भी प्रशासन को मिले हो? गए हम। अच्छा, क्या सुझाव दिया? तो DSHO से मिले थे हम, सदर थाना सी, पूरी गांव की पंचायत थी, जाट जमींदार 36 बिरादरी के लेके गए थे हम। SHO साहब क्या बोले, नूला भाई कच्चा काम ना करो, आओ रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद ही एक एक दूध का दूध और पानी का पानी दूंगा, हर कानून न छाटूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी। ये SHO ने ये बात कही थी हमारे पास। अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है किसी बंदे? कुछ नहीं हुई, किसी की भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। कम से कम 10-12 आदमियों के नाम है जो मैन है मौजूद मारने वाले। प्रशासन उनमें से एक दो को तो लोकेशन उठा के रिमांड पे ले सकती है। लड़के के मरने वाले की गोद में जेब में मोबाइल मिला है, तो मोबाइल को लोकेशन पे तो लगा सकती है। कैसे बुला, क्यों बुला आ गया है, मतलब किसने बुलाया लड़का? हाँ, किसने बुलाया है? उसकी जेब में फोन है, उस फोन को चौकी जार्ज ठेस लगा के पकड़ तो सकता। क्यों बुलाया, कैसे, क्या क्या है, लोकेशन पर लगा तो सकता फोन को। आप भाई साहब कह रहे हो कि मारा है? हाँ मारा है। भैया तो मैं तभी कर लियो? नहीं नहीं, फांसी कई ढंग की होती है, रस्सी डाल के चिन्ह मिले, निशान मिले। हाँ, फांसी की रस्सी होती है सरकुंदी, यहाँ और ऊपर गांठ मार के थी सीधी, 3-4 मार के लटका गया था। अच्छा जी, ये हाथ भी तो टूट रहे थे, सूज रहा था सर। यानी हाथा के चोट लग रही थी? हाँ, हाथा को चोट लग रही थी। तो सच्चाई है जी, सच्चाई यार, जब प्रशासन हमारा साथ देगा तो सच्चाई से मार गया, सच्चाई से मार गया है। लेकिन गांव में बसना हम झूठी नहीं लगाएंगे। नहीं, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब भी पता चलेगा ना। देखो ठीक है जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो 3 महीने बाद आएगी, लेकिन रिपोर्ट तो प्रशासन के हाथ में है। लड़के की जेब में फोन है, उसको लोकेशन पे तो लगा सकते हैं। किसने बुलाया, कहाँ बुलाया, किस टाइम आया, उसे मेरा पटेगा। जांच पड़ताल में टाइम तो लगता है मेरे भाई? टाइम तो लगता, मानते हैं। हाँ, टाइम तो प्रशासन के हाथ में है। क्यों है? बंदों के नाम लिखवा रखे, एक को रिमांड पे चढ़ा दो, सारा ही सिस्टम एक ही मिनट में सामने आ जाएगा। लेकिन प्रशासन ही खुद ठंडा चल रहा है। हमारे को न्याय चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। उन्हें पता था मर गया, हमने टांग दिया मार के। चलो वो इतने साफ थे तो घर छोड़ के क्यों भागे? अभी घर छोड़ के भाग रहे हैं? हाँ, सारे घर छोड़ के भागे, उसी रात को भागे। यानी इसमें जो जो एनिमल थे, दोषी थे, वो भाग रहे हैं? सारे भाग गए, चारों घर थे, चारों भाग गए, टांग के चले गए। 100-150 चार भाई, इन पे क्या हम चार या पांच ही भाई, चार हम, तीन तो पागल हैं, दो ही है सही है। हाँ, गरीब का फायदा उठा गए हो। देखो पहली बात तो भाई साहब इज्जत बराबर होती है, दूसरी बात तो जब बच्चे गलती करते हैं भाई घर में उलाना दो। हाँ,
हाँ कंप्लेंट करो करो प्रशासन में पकड़वाओ, परिवार का बड़ा उसको कहो, उसको लेकिन मारने का किसी को मारने का अधिकार नहीं है किसी को। लाना तो दिया ही खुद हो गई भी, हमने भी कही थी हम तेरे साथ है तो जेल में करवा दे, जेल काटे जाओगा। हाँ, लड़के का सारा परिवार निकाल दो, बटला हो गया, ये भी कह दिया हमने, सजा बोल दो, हम तेरे साथ हैं, जेल में करवा दे। ओ नो, बोले हम कुछ नहीं, नहीं बोले हम तो मार के ही फैसला देंगे। वैसे एक के फैसला, एक के जबान पे रही हूँ सारा कुड़ूंगा। तो इसमें 10-12 व्यक्ति है जी? ना, सारे 8-9 90 है ना, 90 आदमी है। नहीं, 90 आदमी एक आदमी की कैसे कर देंगे, इतने तो नहीं हो सकते। मारा तो 8-9 जना ना है, सारे सारे परिवार ने, चार परिवार है, चारों ने सलाह करके मारा है, यानी पूरे परिवार की सहमति है। हाँ, सहमति है। मर्डर करना एक दो आदमी के बस की बात नहीं होती है। अभी आपको पूरी दुनिया देख रही है, जो सच्चाई वही बोलना भाई। ना, सच्चाई बोलेंगे, सच्चाई पर सच्चाई है, सच्चाई क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, कभी छुपे कभी झूठ नहीं बोलेंगे ना किसी। चलो ठीक है, इल्जाम लाएंगे हम, प्रशासन की सच्चाई मानते हैं। फांसी क्या होती है, यहाँ सरपुंदी आएगी नैड के नीचे, लेकिन ऊपर शादी गैट मार के अर्जन लटकार गया था, गैट भी यहाँ आ रही थी। दोस्तों ये बताई दुख भरी दास्तान हमारे को परिवार ने, और आप भी अपनी कमेंट के जरिए बता सकते हो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है। और बने रहिए टोरा दून के साथ, मैं हूं भाटला से ऋषिपाल दून, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ जी भाई साहब, कहाँ लटका रखा था ये? ऊपर ऊपर बीच वाले के, ये जो डाला दिख रहा है बीच का? हाँ हाँ, बीच का एंजम ऊपर था। अच्छा, यहाँ लटका रखा था? हाँ। और ये क्या बजे की बात है? ये तो जी बात तो है 2:30-3 के बजे ही पाया लटकाया। अच्छा, रात के? रात के? हाँ बिल्कुल रात के, सेवे लैस बिल्कुल सेव थी पानी जैसी। ठीक है दोस्तों, ये है वो पेड़ जहाँ सचिन की हत्या हुई।